सोशल मीडिया पर वायरल एक अभियान बेजुबानों के नाम मुहिम ने पकड़ी रफ्तार। टिमली इंटर कॉलेज में बीजेपी नेत्री समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बेजुबानों के लिए पानी मुहैया कराने वाली टीम को किया सम्मानित। टैंकरों से वन क्षेत्र से सटे तालाबों में पानी भरता युवाओं का जत्था और युवाओं के जत्थे सम्मानित करते लोग। तस्वीरें उत्तराखंड के आखिरी गांव टिमली की है, जहां वन विभाग के साथ सहभागिता कर भीषण गर्मी से बेजुबानों के लिए पेयजल पूर्ति करने का बीड़ा पचवादून के युवाओं ने अपने कंधों पर उठा लिया है। और देखते ही देखते युवाओं की यह मुहिम सोशल मीडिया पर छा गई, जिसके बाद पचवादून में झाजरा, छरबा, सैसपुर, सलाकोई समेत तमाम जगह पर लोग जमीन में गड्ढे कर टैंकरों से बेजुबानों के लिए पीने का पानी मुहैया कराने का बीड़ा खुशी खुशी उठा लिया। देखें रिपोर्ट। दरअसल भीषण गर्मी में बेजुबान पेयजल की परेशानी के मद्देनजर एक पत्रकार द्वारा अपने घर के पास वन विभाग की सहभागिता से वन्य प्राणियों को पानी मुहैया कराने के लिए कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए, जिसके सोशल मीडिया पर फायर सीजन में बेजुबानों के पेयजल पूर्ति करने के लिए एक मुहिम शुरू की गई। देखते ही देखते पचादून में एक बड़ा तबका मुहिम के समर्थन में उतर आया और अपने आसपास टैंकरों की सहायता से पानी वन क्षेत्रों से सटे इलाकों में डाला जाने लगा। सोशल मीडिया पर धूम मचा रही इस मुहिम के नजदीक पत्रकार सतपाल धानिया की मुहिम को देख लोग न सिर्फ उन्हें और उनकी टीम को सम्मानित करने पहुंच रहे हैं, बल्कि खुद भी उस मुहिम का हिस्सा बनते नजर आ रहे। पचादून विकास नगर से डीसीपी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बरसात होने की बेजुबान कहने के पानी के लिए तरस रहे हैं। तो 10 दिन पहले हमने एक अभियान छेड़ा था, एक अभियान बेजुबानों के नाम। तो जो मुहिम थी हमारी, वो आज बड़े स्तर पर देखी जा रही है पूरे पचवादून सहित देहरादून जिले में, प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इस मुहिम का असर देखने को मिला। लोग अपने अपने स्तर पर पानी की व्यवस्था करें बेजुबान जानवरों के लिए। और आज हमें 10 दिन जैसे हो गए इस मुहिम को छेड़े हुए, तो उसमें हमारे साथ भी तीन रेंज में काफ़ी जो अपार जन समर्थक है वो हमारे साथ जुड़े हैं, जन सहभागिता मिल रही है, साथ ही जो वन विभाग है उसका भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। और सिर्फ उद्देश्य सिर्फ इतना सा ही है कि किसी भी बेजुबान की बिना पानी के जान ना जाए, कोई भी बेजुबान पानी के लिए दर दर ना भटके। क्योंकि देखा जाता है कि जो बेजुबान है जंगलों में पानी नहीं है, प्राकृतिक स्रोत सूख चुके हैं, तो गांव का रुख कर रहे हैं। ऐसे में आवारा कुत्ते ने शिकार कर सकते हैं, किसी वाहन की चपेट में आकर वो दम तोड़ सकते हैं। तो सिर्फ यही चाहते हैं कि जो जंगलों में बने प्राकृतिक स्रोत हैं, जो पानी के तालाब हैं, जहां पर इन्हें पानी मुहैया हो सके, तो वहां पर अपने स्तर पर सभी लोग पानी के टैंकरों से पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। क्या है, कहां से ये पैसा अर्जित कर रहे हैं जो आप लोग टैंकरों से पानी डाल रहे हैं, किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं? देखिए, कहां से दिमाग में आइडिया आया? देखिए, हमारी मुहिम का नाम है एक अभियान बेजुबानों का नाम। हालांकि इस अभियान को हमने अकेले शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे ये अभियान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो काफी लोग इस अभियान से जुड़े और कई जगह से वीडियो और फोटोज भी आ रहे हैं कि वो भी अपने माध्यम से अपने अपने क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, बेजुबानों के लिए पानी दे रहे हैं। और इसके जो खर्च की बात की जाए, खर्च जन सहभागिता है, लेकिन तमाम कितने लोग खड़े हैं, ये अपने अपने माध्यम से कोई एक टैंकर दे रहा है, कोई दो दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, तो ऐसी एक व्यवस्था है। क्योंकि इसमें देखो हमारे साथ पचवादून के लोग तो हैं, ये साथ ही देहरादून से भी हैं, राजस्थान से हमारे साथ लोग जुड़ गए हैं, इसमें मुंबई तक के लोग जुड़े हैं। तो अब देखिए कि ये जो अभियान है ये आज युद्ध स्तर पर है, और अगर ये अभियान ऐसे ही जारी रहा तो आप उम्मीद कीजिए कि पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई भी बेजुबान पानी से दम नहीं तोड़ेगा। वन विभाग का कितना सहयोग है इसमें? एक वन विभाग का अच्छा सहयोग है। वन विभाग के जैसे जो टैंक थे वो उन्हें बता रहा है मैं कहाँ कहाँ पर टैंक है, क्या क्या व्यवस्था करनी है और किस तरह की सावधानियां बरतनी है। तो हम बिल्कुल जो एक वाइल्ड लाइफ गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए इन तमाम चीज़ों को जो पानी है वो जो हमारे बेजुबान है उन तक पहुंचा रहे हैं। लगभग कितने लोग अब तक जुड़ चुके हैं, अगर संख्या में बात करें? देखिए, बात यह सोशल मीडिया अगर देखो तो काफ़ी लोग हैं। आज देखो जहाँ पर अभी हम टीमली में खड़े हैं, सैकड़ों लोग हमारे पास यहाँ भी खड़े हैं। अभी स्कूली छात्र जुड़ रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं जुड़ रहे हैं, समाज सेवी, राजनीतिक लोग, व्यापारी लोग, और काफ़ी लोग आप कह सकते हैं बहुत बड़ा एक जनसमूह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैसे ये आइडिया आपके दिमाग में आया, किस तरह से मुहिम शुरुआत करी आपने? देखिए, हम जंगल के बीच में रहने वाले लोग हैं। जैसे हम लोग घर आते थे तो देखते थे कि सड़क के किनारे कहीं बेजुबान घूम रहा है पानी की तलाश में, ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहा है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क पर जंगली जानवर तभी आता है जब उन्हें पर्याप्त व्यवस्थाएं जंगल में ना मिले, चारा और पानी ना मिले। तो उसे देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना भीषण गर्मी है, बरसात नहीं हो रही है, इस अभियान को तब तक जारी रखें जब तक बरसात ना हो और बेजुबानों को समय पर और सुलभता से पानी मिल सके। क्या नाम है आपका? सतपाल धानिया। सोशल मीडिया पे एक मुहिम ट्रेंड कर रही है, एक अभियान बेजुबानों के नाम। ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रही है, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं
और जैसे कि हमारी भी एक सामाजिक संस्था है तो हम भी इसको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे थे, तो देख के काफ़ी अच्छा लगा कि एक ऐसी मुहिम जो बेजुबानों के नाम चल रही है, जंगलों में उनको पानी पिलाया जा रहा है, तो ये काफ़ी एक अच्छी मुहिम है। मैं चाहूँगी कि समाज के हर तबके इसके साथ जुड़े, और इस मुहिम को सतपाल जी चला रहे हैं, जिनको आज हम अपनी संस्था की तरफ से सम्मानित करने आए हैं, और हम अपनी तरफ से जो भी सहयोग होगा हम इस मुहिम में देंगे और इसमें आगे भी जुड़े रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेहाना सिद्दीकी। हनिया जी ने ये जंगल के प्राणियों के लिए जो पानी की व्यवस्था कराने की जो मुहिम छेड़ी है, इन्होंने 5-6 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की थी। वीडियो पोस्ट में देखा गया कि इन्होंने यहाँ जंगल के आसपास जितने भी झोर तालाब बने हुए हैं उनमें इन्होंने पानी डालना शुरू करा। उसे देख के समाज के लोग जागरूक हुए हैं, उन्होंने भी उसमें योगदान देना शुरू करा, और हम अपने आप को सौभाग्य मानते हैं कि हमें ये कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या नाम है आपका? नीरज रोहिला।